तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप किस तरह से अपने YouTube वीडियो में आउट्रो लगा सकते हो। एंड गाइस, इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि आउट्रो का जो ड्यूरेशन होता है वो कितने सेकंड का होता है और कैसे आप उसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। यार, होता क्या है कि जब हम अपने यूट्यूब वीडियो, जैसे कि ये मेरा नॉर्मल वीडियो है, इसमें अगर मैं आउट्रो इस्तेमाल करूंगा तो वहाँ पर ये मेरे वीडियो में भी आ जाता है। जैसे कि अभी मैं फेस रिवील कर रहा हूँ, एंड गाइस साइड में यहाँ पर भी आउट्रो आ जाएगा, यहाँ पर आउट्रो आ जाएगा और यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो आ जाएगा। तो ऐसे में आपको पता नहीं चलता है कि आउट्रो का कैसे क्या ड्यूरेशन है और किस तरह से इसको लगाना है, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एंड गाइस, इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे आउट्रो एनिमेशन देने वाला हूँ जो आपके लिए, और आप अपने यूट्यूब वीडियो में इसे यूज करोगे कि तो किसी तरह का कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे आउट्रो इफेक्ट देने वाला हूँ जिसे आप अपने यूट्यूब वीडियो में यूज कर सकते हो। तो यार, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से अपने यूट्यूब वीडियो में आउट्रो का इस्तेमाल कर सकते हो और आउट्रो का ड्यूरेशन जान सकते हो। तो यार, सबसे पहले जानते हैं कि यूट्यूब वीडियो के आउट्रो का ड्यूरेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे जगह पर यूट्यूब वीडियो का आउट्रो का ड्यूरेशन, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 20 सेकंड का होता है। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ऑटो का ड्यूरेशन 20 सेकंड का होता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने YouTube वीडियो में किस तरह से एंड स्क्रीन लगा सकते हो, ऑटो लगा सकते हो। एंड गाइज, इसके लिए आपको अपने मोबाइल में किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना, यहाँ पर क्लिक कर देना। एंड गाइज, यहाँ पर आपको लिख देना है यूट्यूब डैशबोर्ड, इसको यहाँ पर सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद यूट्यूब डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना। अगर ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर ये आपको यूट्यूब में रिडायरेक्ट कर रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से जो भी आप ब्राउजर पर सर्च करोगे वो आपके एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट नहीं करेगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको जूम आउट कर लेना, यहाँ पर यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइज, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। एंड गाइज, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर बहुत सारे वीडियो आपको नजर आएगा। यहाँ पर जिस वीडियो में आप इंड स्क्रीन या आउट्रो लगाना चाहते हो उस वीडियो के यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइज, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। एंड गाइज, यहाँ पर आपको साइड करना और यहाँ पर आपको इंड स्क्रीन आ रहा है, इसी को आउट्रो बोल सकते हो। यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से इसमें लगा करके रखा है, तो देख सकते हो गाइज। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको जूम आउट कर लेता हूँ। गाइज, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। पर मैंने सभी को यहाँ पर डिलीट कर दिया। ये रहा मेरा आउट्रो, तो देख सकते हो ये मेरा आउट्रो लगा हुआ है इस वीडियो में। अब इसको जिस तरह से आपका आउट्रो का डिजाइन है उस तरह का यहाँ पर आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट आपको मिल जाएगा, जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइज, आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको जूम आउट करता हूँ। एंड गाइज, यहाँ पर आपको अगर कोई अदर वीडियो यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देना। एंड गाइज, साइड में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना, नीचे में यहाँ पर चूज वीडियो का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ से आप दूसरा वीडियो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इस वीडियो को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ। एंड गाइज, इसमें यहाँ पर दूसरा वीडियो ऐड करना चाहते हो वो वीडियो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक कर देना। एंड गाइज, इस वीडियो को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप इसमें और सारा एलिमेंट यहाँ पर लगाना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर आपको एलिमेंट पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ पर आपको बहुत सारे नजर आ जाएगा। यहाँ पर प्लेलिस्ट लगा सकते हो, सब्सक्राइब बटन लगा सकते हो जो मैंने पहले से लगा करके रखा है, चैनल आर्ट लगा सकते हो, यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर अपने चैनल, अगर आपके पास कोई और दूसरा चैनल है तो उस चैनल का यहाँ पर भी लगा सकते हो उस चैनल को। तो यहाँ पर मैं वो चैनल नहीं लगाने वाला हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही चैनल है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। एंड गाइज, यहाँ से लगाने के बाद अब इसको सेट करना है सही तरीके से। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देख लेना है कि आपका जो आउट्रो है वो कहाँ पर हुआ, उसका ये वीडियो वाला ये आइकन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड गाइज, यहाँ पर ये आउट्रो सही तरह से यहाँ पर बैठ चुका है। अगर आपको लगता है कि ये उधर उधर है तो आपको इस सही तरह से एडजस्ट कर लेना। एंड गाइज, यहाँ पर आपको सेव नाउ पर क्लिक कर देना। सेव पर क्लिक करने के बाद ये सेट हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से पता चलेगा। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि ऑटो का जो ड्यूरेशन होता है वो कितने सेकंड का होता है। इसके लिए मैंने पावर डायरेक्टर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद गाइज, आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस शो होता है। तो यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ। एंड गाइज, यहाँ से मैं कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ। एंड गाइज, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद गाइज, इसका मैं ये पोर्ट्रेट मोड में इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। एंड गाइज, आपको समझाने में सही होगा। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। एंड गाइज, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक वीडियो का आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करता हूँ। एंड गाइज, यहाँ पर मैं वीडियो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं स्टॉक वीडियो में चले जाता हूँ। तो अगर आपके पास ये
पावर डायरेक्टर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइज यहाँ पर पिक्साबे में आ जाना एंड यहाँ पर क्लिक करता हूँ आउटरो OUTRO आउटरो क्लिक करता हूँ। एंड गाइज यहाँ पर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद गाइज आपके सामने बहुत सारा ऐसा एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ तो देख सकते हो गाइज, देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा, यहाँ पर ये आउटरो आ चुका है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ तो देख सकते हो ये रहा आउटरो और इसका जो ये ड्यूरेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इसका ड्यूरेशन यहाँ पर 20 सेकंड का आ रहा है और दूसरा आउटरो मैं आपको दिखा देता हूँ उसका भी ड्यूरेशन यहाँ पर 20 सेकंड का होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर इस वीडियो का भी आउटरो, यहाँ पर जो इसका आउटरो है इसका भी ड्यूरेशन यहाँ पर 20 सेकंड का आ रहा है। तो और भी यहाँ पर मैं आपको आउटरो दिखा देता हूँ। एंड गाइज आप कुछ इस तरह से अपने आउटरो का ये ड्यूरेशन आप देख सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर आउटरो हैं जिसका आप यूज कर सकते हो, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो इस आउटरो का भी यहाँ पर ड्यूरेशन देख सकते हो। यहाँ पर भी इसका ड्यूरेशन यहाँ पर 20 सेकंड का आ रहा है, तो आउटरो का जो ड्यूरेशन होता है 20 सेकंड को होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे और भी, जैसे कि यहाँ पर ये थैंक्स फॉर वॉचिंग का आ रहा है तो इसका जो ड्यूरेशन है ये तो आउटरो नहीं है इसका, तो इसका ड्यूरेशन है ये 11 सेकंड का है तो ये आउटरो नहीं है, तो इसीलिए इसको आप अपने वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा सकते हो। अगर इस तरह के और भी आउटरो यहाँ पर आप अपने वीडियो में लगाना चाहते हो, ये सब कुछ यहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का, तो आप वहाँ से जाकर के इस पावर डायरेक्टर को डाउनलोड कर लेना। एंड गाइज आप अपने वीडियो में कोई सा भी वीडियो यहाँ पर आप अपने YouTube वीडियो में ऐड करोगे तो उस पर किसी तरह का कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। एंड गाइज आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो, तो गाइज हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें पता चले और भी कुछ इस तरह से अपने यूट्यूब वीडियो में आउटरो एनिमेशन लगा सके। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।